Good morning, class. How are you, students? Hope you all must be fine. Student, these days I am very disappointed because we all teachers are doing a lot of hard work for you, but you are not paying attention towards our work. कल और कल से एक दिन पहले आप लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं. आज ही हर क्लास से 20-25 बच्चों ने ही मिले. तो दिस इज नॉट गुड है. आप ये सोचो कि आपकी टीचर स्कूल आ रही है ऐसी सिचुएशन में, आने के बाद आपके लिए क्लास बना रही है, और अगर आप नहीं देखते हो तो कितना डिसहार्डन होती है टीचर. दिस इज ऑल फॉर यू. आपके लिए किया जा रहा है ये काम. तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू कम्प्लीट होल वर्क. वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और आगे काम करो. तो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4. बच्चे, इस एक्सरसाइज में आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना है. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन स्टैंडर्ड 5 मैथ्स. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब के जब सम लाइक फ्रैक्शन होगी ना, लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों का ही एडिशन तो हो ही सकता है. लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों का एडिशन आपको करना है. अगर लाइक फ्रैक्शन है तो एडिशन बहुत आसान है. उसमें मान लो ये ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी, लाइक फ्रैक्शन, दोनों एक जैसे है ना. ए अपॉन बी या सी अपॉन बी. देखो लाइक फ्रैक्शन कब होता है, जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं. ठीक है, तो इसका एडिशन बहुत आसान है. सम ऑफ न्यूमरेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर. दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, इसलिए हमने कॉमन डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लिख दिया. ठीक है, यानी कि आपका आंसर ऊपर में क्या आएगा, ए प्लस सी. पहला न्यूमरेटर ए है, दूसरा न्यूमरेटर सी है, और नीचे दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बी है, तो आंसर आ गया ए प्लस सी अपॉन बी. बट जब आप अनलाइक नंबर यानी कि ए अपॉन बी या सी अपॉन बी का एडिशन करना है, उस कंडीशन में आप एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालोगे पहले. ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालोगे और जो डिनोमिनेटर आया, जैसे कोई अलग अलग वैल्यू, हम इसको बी बी देते, तो आपको कॉमन जो आपका एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर्स का, वो आपको यहाँ लिखना है. उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर आया उसको डिवाइड करोगे यहाँ लिखे गए डिनोमिनेटर से. जो भी आंसर आएगा उसको इंटू करोगे न्यूमरेटर से. ठीक है, जैसे बीटी था, बीटी को बी से डिवाइड किया, बीटी कर गया डी और डी इंटू ए डी आ गया. फिर प्लस का साइन, फिर से ये जो डिनोमिनेटर आपका एलसीएम आया है बीटी, उसको आपने इस डी से डिवाइड किया और जो आंसर आएगा उसको इंटू करोगे सी से. ठीक है, इसको जब आप नंबर से करोगे ना तो आप इजीली समझोगे. ओके ना, लेट अस स्टार्ट. पहले हम लाइक फ्रैक्शन का बता दीजिए, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन करेंगे. अच्छा, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चे, यहाँ पर बहुत बहुत सारे सम्स हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सम्स किए जाएं. अभी ऐसा है कि कल तक हमको ध्यान ही नहीं था कि आगे भी एक्सरसाइज है, तो हम ये सोच रहे थे कि 4.3 आपकी लास्ट एक्सरसाइज, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं. बट अब हमें थोड़ा जल्दी स्पीड अपनी बढ़ाना है. तो यहाँ पर 16 सम्स हैं, इसमें से कोई 8 सम्स करेंगे, एक एक ऑल्टर नहीं, एक सम करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक करेंगे और एक को छोड़ देंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो. ऐड, अभी लाइक आता है, मिक्स करके लिखे गए हैं. ठीक है, लाइक और अनलाइक को मिक्स करके लिख दिया गया है. हम आपके लिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद से आपको एक्सप्लेन करेंगे. ओके क्लास, मैंने ये 8 सम्स आपके लिए लिख दिए हैं. नाउ आई विल सॉल्व. आप एक बार ध्यान से देखो, क्या कोई लाइक फ्रैक्शन दिखा है इसमें?
ऐसे कितना आ गया सिक्स। ठीक है, देखो एलसीएम वो नंबर होता है जिससे लिखे के दोनों नंबर डिवाइड हो सकते। ठीक है, तो सिक्स सिक्स को आप टू से डिवाइड कर सकते हो, सिक्स को आप सिक्स से डिवाइड कर सकते हो। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिससे इन दोनों डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जा सके। सिक्स से टू को डिवाइड किया, सिक्स डिवाइडेड बाई टू, और जो भी आंसर आएगा उसको इंटू करेंगे वन से, प्लस फिर सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स। ये एलसीएम क्लियर हो गया है तो इनको हटा देते हैं, सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स, और जो भी आंसर आएगा उसको इंटू करेंगे वन से। आपको ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। एलसीएम आ गया है सिक्स। ठीक है, अब देखो सिक्स को टू से डिवाइड किया थ्री, थ्री वन सा थ्री हो गया, प्लस सिक्स को सिक्स से डिवाइड किया वन आया, वन इंटू वन वन अपॉन सिक्स, थ्री प्लस वन फोर अपॉन सिक्स। देखो क्या इसको आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, टू एक ऐसा नंबर है जो कि फोर को भी डिवाइड करता है और सिक्स को भी, तो हम टू से इसको काट देंगे, टू टू का फोर और टू थ्री का सिक्स, आंसर विल बी टू अपॉन थ्री। ओके, अब यहाँ देखो अगेन सिक्स और टू एल्स आपके डिनोमिनेटर है जैसे यहाँ था, तो एलसीएम को अंदर हो गया कितना ही होगा सिक्स होगा, एलसीएम लिया सिक्स। अब देखो अब हम ओरली करेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, सिक्स को सिक्स से डिवाइड किया कितना आया वन, और वन इंटू वन वन प्लस का साइन है। अब सिक्स को टू से डिवाइड किया कितना आएगा टू, थ्री से सिक्स, थ्री इंटू थ्री किया नाइन, आंसर क्या हो गया नाइन अपॉन टेन अपॉन सिक्स। क्या टेन और सिक्स कट सकते हैं, यस टू फिटेबल, टू फाइव से टेन थ्री से सिक्स, आंसर इज फाइव बाई थ्री, ये आंसर एंड एनी आंसर। यहाँ ए डॉट ट्वेल्व, अब ए डॉट ट्वेल्व का एलसीएम लो, ए डॉट ट्वेल्व का देखो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे एट भी कट जाए, जिसको एट भी काट दे और ट्वेल्व भी काट दे, तो मैं बिना सॉल्व किए बता सकती हूँ कि ट्वेंटी फोर को नंबर होगा, क्योंकि एट थ्री सा ट्वेंटी फोर होता है और ट्वेल्व टू सा ट्वेंटी फोर होता है, पर आपको फिर भी सॉल्व करके दिखाती हूँ, टू फोर सा एट और टू सिक्स सा ट्वेल्व, टू टू सा फोर, टू थ्री सा सिक्स, टू वन सा थ्री, ऐसे ही थ्री वन टू टू सा फोर, फोर टू सा एट और एट थ्री सा ट्वेंटी फोर, ऐसे कितना आ गया ट्वेंटी फोर। ऐसे हम आप रफ में भी ले सकते हैं, ऐसे हम लेंगे ट्वेंटी फोर, अभी ट्वेंटी फोर को एट से डिवाइड किया थ्री, थ्री वन सा थ्री, प्लस ट्वेंटी फोर को ट्वेल्व से डिवाइड किया ट्वेल्व, टू से टू सेवन सा फोर्टीन, तो आंसर आ गया सेवनटीन बाई ट्वेंटी फोर। अब क्या इसको कैंसिल किया जा सकता है सेवनटीन और ट्वेंटी फोर को, नो, सो दिस विल बी योर आंसर। अब यहाँ देखो इलेवन और ट्वेंटी टू, इन दोनों का एलसीएम होगा ट्वेंटी टू, क्योंकि ट्वेंटी टू को आप इलेवन से काटोगे तो इलेवन टू सा ट्वेंटी टू हो जाएगा और ट्वेंटी टू वन सा, आप यहाँ करके देख लो किसी नंबर से कट ही नहीं रही है, कल इलेवन से जाएगी इलेवन वन से इलेवन इलेवन टू सा ट्वेंटी, तो इलेवन टू सा ट्वेंटी टू आपका आ गया एलसीएम। अब ट्वेंटी टू को इलेवन से डिवाइड किया टू, टू टू सा फोर, प्लस ट्वेंटी टू को ट्वेंटी टू से डिवाइड किया वन, वन वन सा वन, आंसर कितना आ गया फाइव बाई ट्वेंटी टू। अब ये नंबर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं की जा सकती, दिस इज योर आंसर। ए डॉट ट्वेल्व का एलसीएम देखो यहाँ किया था, ए डॉट ट्वेल्व का एलसीएम ट्वेंटी फोर, तो एलसीएम कितना आ गया ट्वेंटी फोर, यहाँ एलसीएम था ट्वेंटी टू, आप रफ में करके एलसीएम लिख सकते हो, यहाँ लिख दिया हमने नीचे ट्वेंटी फोर, अभी ट्वेंटी फोर को एट से डिवाइड किया थ्री, थ्री थ्री का नाइन, प्लस ट्वेंटी फोर को ट्वेल्व से डिवाइड किया टू, टू नाइन का एट, टू ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी टू, देखो थ्री की जगह पर कटता है थ्री नाइन का ट्वेंटी सेवन और थ्री एट का ट्वेंटी नाइन बाई एट इज योर आंसर। अभी फिफ्टीन और टेन का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ निकालना है एलसीएम ऑफ फिफ्टीन एंड टेन, फिफ्टीन और टेन का टू से करा, फिफ्टीन तो फिफ्टीन में रह गया, टू फाइव का टेन, फाइव थ्री से करा, थ्री फाइव का फिफ्टीन, अभी फाइव से करा, फाइव से टेन, टेन से थर्टी। देखो वैसे भी मैं बता सकती थी कि फिफ्टीन और टेन का एलसीएम थर्टी आता है, क्योंकि थर्टी एक ऐसा नंबर है जिसको आप फिफ्टीन से भी डिवाइड कर सकते हो और टेन से भी डिवाइड कर सकते हो, एलसीएम इज थर्टी। अभी थर्टी को फिफ्टीन से डिवाइड किया टू, टू वन सा टू, प्लस थर्टी को टेन से डिवाइड किया थ्री, थ्री फोर सा ट्वेल्व, ये आ गया फोर्टीन अपॉन थर्टी, हम टू के टेबल पे काट दिए, टू सेवन का फोर्टीन, टू फिफ्टीन का थर्टी, सेवन का थर्टीन इज योर आंसर। हियर ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, टू टू का फोर अपॉन फाइव बाई टू हो गया, प्लस फोर टू ज़ा एट अपॉन नाइन
अभी टू और फोर का एलसीएम क्या होना चाहिए बताइए बिना सवाल के। फोर क्योंकि फोर इज द नंबर जो कि टू से भी डिवाइड हो सकता है, टू को डिवाइड टू भी डिवाइड कर सकता है उसको, फोर भी डिवाइड कर सकता है। अभी फोर को टू से डिवाइड किया टू आया, टू फाइव का टेन प्लस फोर को फोर से डिवाइड किया वन, वन नाइन का नाइन, आंसर आ गया 19/4। अभी आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, जो क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में होता है उसका आंसर हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही देना होता है। तो कैसे लिखते हैं, ये जो डिविजन रिमाइंडर बन जाता है वो सबसे ऊपर में लिखा था, ठीक है, जिससे डिवाइड करा नीचे फोर, फोर फोर थ्री बाय फोर इज योर आंसर। अब द लास्ट सेवन का फोर्टीन, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन बाई सेवन प्लस फाइव टू का टेन और मार्क इलेवन बाई सेवन फाइव। अभी सेवन और फाइव देखो दोनों दो प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर पे कट नहीं सकते, तो एलसीएम आएगा 35, क्योंकि 35 को सेवन से डिवाइड कर सकते हैं और 35 को फाइव से डिवाइड कर सकते हैं। 35 को सेवन से डिवाइड किया आंसर आया फाइव, सेवन फाइव का 35 और सेवनटीन फाइव का 85 प्लस 35 को फाइव से डिवाइड किया फाइव सेवन का 35 सेवन इलेवन को सेवन सेवन 162/35 आंसर। इसको चाहो तो आप एक्सप्रेशन में चेंज करो 162 को 35 से 35 आंसर जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखना है, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखना है और जो क्वेश्चन आया वो आगे लिखना है। 422/35 इज योर आंसर। स्टूडेंट्स देख लीजिए आप क्लियर है, अभी हम नेक्स्ट अगला सम करेंगे।